21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अजमेर के जवाहर स्कूल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अजमेर रेंज आईजी लता मनोज कुमार, संभागीय आयुक्त सीआर मीणा, जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित, जिला पुलिस कप्तान चुनाराम जाट, विधायक वासुदेव देवनानी, विधायक अनिता बदेल सहित विभिन्न विभागों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। इस दौरान योग के प्रभावों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही योगिक क्रियाओं से दिनचर्या में होने वाले परिवर्तनों का प्रयोग द्वारा समझाया गया। विद्या है, गीता में भी सबसे ज़्यादा जो अध्यात्म विद्या को अच्छा बताया है, और अध्यात्म विद्या ही योग है। चित्त वृत्ति थोड़ा पीछे करो ना, उनके मुंह पे जा रही है। इससे तन और मन हमारा स्वस्थ होता है, और तन मन स्वस्थ होता है तो समाज में व्यक्ति अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण होता है और वो अच्छी सेवाएँ देता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ऑलमोस्ट एक घंटे तक अलग अलग तरह के योगासन हमें करवाए गए, और उनके जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से बताया गया। सभी लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम की काफ़ी सराहना की। बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड एंड वेल ऑर्गेनाइज इवेंट था। सभी कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने अपना अपना इसमें योगदान दिया, और आज इस योग दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी से निवेदन करेंगे कि योग को अपने जीवन शैली में ढालें, उसको अपनी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा योग करें, जैसे कि आप जितनी भी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, उनसे दूर रहें और एक स्वस्थ जीवन बिताएं। 9वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जिस रूप में ये कार्यक्रम किया है, मेरी भी आ जाएगी, और मंच पर जिस प्रकार की होर्डिंग लगी है बैकड्रॉप, उसमें जिस व्यक्ति ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई, सारे विश्व ने इसको योग दिवस बनाया। आज यूएनओ में 180 देशों का साथ, जो देश के जननायक आज योग दिवस में भाग ले रहे हैं, उसका चित्र आज बैकड्रॉप में न देख करके बड़ी पीड़ा हुई। मुझे लगता है कि ये आयुर्वेद मंत्री सुभाष गर्ग और मुख्यमंत्री जी की एक छोटी सोच है। इससे मोदी जी को ये भले ही फोटो न लगाएं, नाम न लिखें, लेकिन लोगों के दिलों से उनका नाम नहीं मिटा सकेंगे। यह योग दिवस वास्तव में सारे विश्व के लिए है, बिना किसी धर्म संप्रदाय के है, और इससे निश्चित से एकाग्रता बढ़ती है, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। और यह मैंने भी अपने क्षेत्र में 3 दिवसीय 25 स्थानों पर योग शिविर लगा करके इसमें सहभागिता हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमने की। मुझे लग रहा था कि प्रशासन शायद किसी दबाव में है, और इस बार उन्होंने न तो इसका कोई विशेष कोई प्रचार किया न प्रसार किया, यह तो एक प्रकार का जिनको आना था वो आ गए। इस प्रकार के योग दिवस में भी हल्की राजनीति करना और आयुर्वेद मंत्री और मुख्यमंत्री का छोटा सोच होना एक बड़ी ही पीड़ादायक है। इससे ज़्यादा मैं कठोर शब्द बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि आज का दिवस एक महान दिवस है, क्योंकि इससे हम लोग स्वस्थ रहते हैं, निरोगी काया होती है, जिसमें लगातार प्रयत्न करते हैं। इस हम सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, और इसमें पतंजलि के साथ और भारत स्वाभिमान के लोगों को, उनके प्रशिक्षकों को, उनके आयोजकों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। बल्कि योग में वो ताकत है जिसको ये कहते हैं कि आध्यात्मिक रूप से योग जो है वो ईश्वर से आपको साक्षात्कार कराता है, जो आप एक पंचभूत के रूप में यहाँ पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, ईश्वर से आप परमात्मा से इसके माध्यम से मिल सकते हैं। तो इतनी बड़ी योग की शक्ति है। योग जोड़ने का भी है, एक दूसरे से जोड़ने का भी है। योग का क्या मतलब है? अपने कार्यों को कुशलता से करना ही योग है। श्री कृष्ण ने महाभारत में, गीता में ये बात कही है कि यदि व्यक्ति अपने कर्मों को कुशलता से करे तो वह योग है, है ना। तो इतनी बड़ी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण जी ने योग के संदर्भ में हमें दी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भारत की इस विशिष्टता को, भारत के इस योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है, और आज हर व्यक्ति योग के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश में लगा।